हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज मैं यहाँ बना रही हूँ चाउमाऊ यानी कि चाउमीन रेसिपी, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से निकाल लिया है और पूरे नहीं बनाऊंगी, कुछ इसमें से रख दूंगी क्योंकि इतने ही चाहिए। और इसके बाद हम इनको डालेंगे पानी के अंदर। पानी मैंने सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और साथ ही में मैंने डाल दिया इसमें से नमक। और जब तक ये अच्छे से बॉईल होगा तब तक मैं सब्जियों को कट कर लूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोभी को कट कर लिया है, इसमें से मैं आधी गोभी लूंगी, आधी को मैंने साइड में रख दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गोभी को कट कर लिया है और अभी चेक करते हैं पानी को। और कुछ इस तरह से कटिंग की है इस टाइप से। और यहाँ पर पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अभी मैंने इसमें डाल दी है पूरी चाउमीन। और ये देखिए इन स्टिक को पानी के अंदर डालते ही ये पूरी मेल्ट हो गई और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रही है। साथ में अच्छे से बॉईल होने के बाद इस पानी से हमें इनको बाहर निकालना है। और निकलते टाइम साथ ही में ये कुछ टूटी हुई थी तो मैंने इनको भी अच्छे से डाल दिया और 2 से 3 उबाल इनको अच्छे से लगाऊंगी। बीच में मैं इनको चेक कर रही हूँ कि ये एक दूसरे से चिपक तो नहीं रही है, और ये नहीं चिपक रही है फिलहाल। बहुत ही अच्छी इसमें बॉइलिंग आ रही है। बॉईल करने के बाद मैंने इनको अच्छे से निकाल लिया है किसी कंटेनर में और अभी इनको अच्छे से धो लेंगे, अच्छे पानी से, साफ पानी से इनको अच्छे से धोना है। फिलहाल ये हो गई है पानी से बिल्कुल अलग। और यहाँ पर अभी करते हैं तड़के की तैयारी। यहाँ पर मैंने डाला है इसमें ऑयल और अभी जो मैंने सब्जी काटी थी, साथ में काटे थे प्याज और गोभी, तो उनको इसमें डालकर अच्छे से पकाना है। कुछ आधा कच्चा पक्का इनको रखना है। यहाँ पर मैंने इनको 2 से 5 मिनट के लिए पका लिया है और साथ में इसमें नमक ऐड करूंगी, थोड़ा सा कच्चा रखूंगी, कच्चा रखने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सारे नूडल्स। तो नूडल्स डालने के बाद इनको करना अच्छे से मिक्स, और वो भी आराम आराम से, क्योंकि इनको तोड़ना नहीं है, मुझे इनको तोड़ना नहीं है, मैं इनको अच्छे से ऐसे ही। और अभी इसमें डालूंगी सारे सॉस में। वो सबसे पहले मैंने डाला रेड चिली सॉस। तो यहाँ इसमें अभी मैं डाल रही हूँ ये डार्क सोया सॉस है। इसके बाद डालूंगी इसमें ग्रीन चिली सॉस। और इन सभी को डालने के बाद इसको करना है अच्छे से मिक्स। और ये सारे